वेलकम टू एस आर एस प्लस ग्रुप। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉटनी का ही सेकंड टॉपिक एल्गी। और एल्गी में भी जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो है माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस के बारे में जानने के लिए चलिए पहले क्लासिफिकेशन उसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में आप क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें पहला जो है वो है क्लास। क्लास क्या है? साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी के मेंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? साइनोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेलुलर स्ट्रक्चर वो प्रोकैरियोटिक बेसिस पे होता है। तो ये होता है साइनोफाइसी मेंबर्स की कैरेक्टर। सेकेंड हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर में हमारा है क्रोकेल्स। तो क्रोकेल्स क्या होता है? ये फ्रेश वाटर जो है एनिमल होते हैं, या फिर मरीन में होते हैं, या फिर और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फिजन मेथड या एंडोस्पोर्स के थ्रू होता है। तो फिजन मेथड में भी दो तरह का होता है, या तो लॉन्गिट्यूडनल होगा या तो ट्रांसफर्स होगा, ये इनका रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें जो है ये मोस्टली हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पूरी तरह से एब्सेंट होता है। फिर है लास्ट हमारा फैमिली। तो फैमिली हमारा है क्रोकेसी। तो क्रोकेसी का क्या कैरेक्टर होता है कि ये फ्री लिविंग इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, जो कि मोस्टली स्पेरिकल या ओवल कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन जो है पोजेस की होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रुप में है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। अब आइए थोड़ा सा इसका कमेंट्स भी देख लेते हैं। तो कमेंट्स में हम अगर जो देखते हैं तो इसमें पहला जो कमेंट है वो है कि जो माइक्रोसिस्टिस होती है वो फ्रेश वाटर एल्गा है। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही साइनोफाइसी के कैरेक्टर के तौर पे पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि जो ये माइक्रोसिस्टिस है ये ग्राउंड या कोई एक डेफिनेट या इरेगुलर डेफिनेट शेप में प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली ये क्लस्टर के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज की कौन सी है, तो उस शेप में वो फॉर्म करेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा जो ये स्पेरिकल या एलोंगेटेड कॉलोनी जो फ्लोट करती हैं वाटर बॉडीज़ पे ये फ्रीली, वो आपको अगर जो देखेंगे तो वो कलरलेस होमोजेनियस मिसलेजनियस मैट्रिक्स की तरह दिखेगा। मीन्स अगर जो आप उसको टच करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि काफ़ी चिपचिपा सा पदार्थ है वो। तो इस तरह से वो एक तरह से पूरी जो वाटर बॉडी की जो लेयर होती है अपर लेयर, उसको वो बिल्कुल मिसलेजन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देती है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं तो वो बिल्कुल ऑयली सा बिल्कुल दिखाते हैं अपना पेरेंट्स। फिर है नेक्स्ट हमारा है जो ये माइक्रोसिस्टिस होती है उसकी जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म से होता है रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से एब्सेंट है। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो बाई फिजन मेथड से होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कॉलोनी बाय ट्रांसफ़र और जो है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन होगा इसमें। और इसमें एक और चीज़ देखी गई है कि जो इसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है माइक्रोसिस्टिस एरियोगियोनोसा की, ये क्या करती है, ये एक तरह का वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसाइटिन। तो माइक्रोसाइटिन क्या होता है, ये काफ़ी टॉक्सिक होता है जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर बॉडीज़ है उसमें कुछ अमाउंट में पोल्यूशन भी क्रिएट करने का काम करती है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। और अब लास्ट में यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने जो है फाइलम में पढ़ लिया है, तो यही सब है। और ये रहा पूरा कंप्लीट आज का टॉपिक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो